This is Loni from Zenonco.io and Love Heals Cancer. So, आज हमारी वीडियो is about a very powerful, very beautiful book, The Magic of Thinking Big, बड़ी सोच का बड़ा जादू. So, इस book में जो writer है उन्होंने 13 points बताए हैं जो हमें successful होने में help कर सकते हैं, जिससे हम अपनी सोच बदलेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा. So, उनमें से जो best points है जो हम अपनी cancer healing journey में भी use कर सकते हैं. So, सबसे पहली चीज है जो हमारी सोच है वही हमें रिजल्ट्स देती है कि हमारी लाइफ कैसी होगी. ये हमने बहुत बार सुना है, हमारी वीडियो भी है पावर ऑफ थॉट्स, माइंड पावर, सारा कुछ. लेकिन जब हमारी सोच जो है वो बड़ी सोच होती है, हम अपनी सोच को अपग्रेड करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को भी अपग्रेड करना स्टार्ट करते हैं. सो जो सबसे पहला पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखें कि आप ये कर सकते हैं. अपने आप पर भरोसा रखें कि मैं इस कैंसर से लड़ सकता हूँ, मैं इस कैंसर से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं ये कैंसर को हरा सकता हूँ, मेरे शरीर में मेरे पास इतनी शक्ति है. तो जिस दिन आप ये भरोसा रखेंगे कि आई कैन फाइट दिस, उस दिन आपके पास सारी दुनिया की पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन जब हम डाउट करते हैं, अपने आप पर नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, तो जो हमारी जो डाउट करने की प्रॉब्लम है वो हमें नेगेटिव थिंग्स अट्रैक्ट करती है हमारे पास. तो इसलिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें भरोसा होना चाहिए कि मैं सच में ये कर सकता हूँ. तो जिस दिन हम भरोसा रखेंगे, हम अपनी सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे कि यस आई बिलीव कि ये टाइम गुजर जाएगा, मैं इस कैंसर को फाइट करके बहुत जल्दी ठीक होने वाला हूँ. सेकेंड चीज़ है जो हमारा कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या बोलते हैं. इस बुक में जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ, जैसे आप खुद से बात करते हो, कि अगर मैं खुद से पूछूं कि तुम कैसा फील कर रही हो, तो अगर मेरे अंदर से जवाब आए कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स भी चली जाएंगी. अगर हमारा एटीट्यूड ही हमारी तरफ ख़राब होगा कि हमारे मन में चल रहा है कि मेरी ज़िंदगी नरक हो चुकी है, मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं हमें, पर हम ही अपने संकल्पों को, अपने थॉट्स को, अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं. हम ही अपनी सोच को बदल सकते हैं, क्योंकि हम ही हैं जो एक छोटे से दायरे में रहकर सोच सकते हैं, और हम ही हैं लिमिटलेस सोच सकते हैं, अपनी सोच के अपने थॉट्स को बहुत बड़े दूर दूर तक लेकर जा सकते हैं. तो हम ही ने अपनी जो सोच है वो बनाई होती है कि बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, मैं इस चीज़ से नहीं फाइट कर पा रही हूँ, और हम ही अपने आप को सोच देते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इन चीज़ों से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ. अगर दुनिया में इतने लोग इतनी कीमो थेरेपीज करवा कर ठीक हो सकते हैं, तो मैं भी हो सकती हूँ. तो मतलब जो हमारी सेल्फ टॉक है, द वे वी टॉक टू आर सेल्फ, अपने आप से जैसी बात करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तीसरा है हमेशा चीयरफुल, अच्छे शब्द यूज़ करने हैं. जैसे हम सोचें अगर पिंक एलिफेंट, तो हमारे दिमाग में फटाफट फोटो बनती है पिंक एलिफेंट की. वैसे ही जो हम बोलते हैं वैसी ही फोटो दिमाग में बनती है. तो अगर हम बोलते हैं प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम दिमाग में क्या, प्रॉब्लम और चीज़ों को लेकर आती है, अरे बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा. अगर वही प्रॉब्लम की जगह हम सोचते हैं चैलेंज, तो चैलेंज हमें पावर देता है कि मुझे इस चैलेंज को पूरा करके दिखाना है. तो हमें अपने जो शब्द हैं वो बहुत वाइसली चुनने चाहिए कि मैंने सुबह उठकर या जब भी दिन में बुरे संकल्प आए, मैंने अपने शब्दों को चेंज करना है. कि अगर मुझसे कोई पूछे तुम कैसा फील कर रही हो, आई एम फीलिंग अमेजिंग, बहुत पावरफुल, बहुत पीसफुल, बहुत पॉजिटिव, अच्छे अच्छे वाइब्रेंट जो शब्द हैं वो जब हम बार बार बोलते हैं पॉजिटिव, तो दिमाग में फोटो बनती है पॉजिटिविटी की. जब हम बोलते हैं पावरफुल, तो स्ट्रेंथ की फोटो बनती है. अगर हम बार बार रिपीट करेंगे पेन, दर्द, नेगेटिविटी, बुरे इमोशंस, तो वैसी ही फोटोज बनेगी हमारे दिमाग में, और वैसे ही हम चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे. चौथा है हमारा इन्वायरमेंट, हमारा आसपास, हमारा वातावरण कैसा है. तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपना एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव बनाएं. जहाँ जहाँ पर भी मेरी नज़र जाए, मुझे अच्छी सक्सेस वाली चीज़ें मिले, मुझे सक्सेस की पॉजिटिविटी मिले, कि
कैंसर की सक्सेस स्टोरीज पढ़ें, चाहे आप अच्छी इंफॉर्मेशन अपने आप को दें, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही हमारा आउटपुट देती है। तो अगर मैं अच्छा सोचूंगी, अच्छा सुनूंगी, तभी मैं अच्छा बोलूंगी, अब तभी मेरे जो एक्शंस है उसमें अच्छी चीजें आएंगी। सो हमेशा एनवायरनमेंट का मतलब है कि आसपास माहौल इतना पॉजिटिव हो कि हर तरफ आपको पॉजिटिविटी मिले, कि आप जो भी किसी से बात करो आपका कि आपके जो केयर गिवर्स हैं वो भी पॉजिटिव रहें और आप भी पॉजिटिव रहो। जैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि अपने आसपास आप पोस्टर्स लगा सकते हैं कि माय कैंसर इज कैंसर, आई एम हीलिंग, एफर्मेशंस लिख सकते हैं, तो वैसे ही आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बुक में राइटर ने बोला है कि कभी भी हार नहीं माननी है जिंदगी में। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था, 10,000 बार उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हुआ, लेकिन एट द एंड वो पास हुए। तो इसलिए हमने भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, नेगेटिव न्यूज़ की तरफ जाना ही नहीं है। हम कभी बार बार हम सुनते हैं कि उसको भी ये वाला कैंसर था, लेकिन जिसका ठीक हुआ है हमने उस चीज़ों की तरफ जाना है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में सक्सेस स्टोरीज हैं जो हम सुन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं जो हम पढ़ सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए, अपने खुद को मेडिटेशन करके ठीक करने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो सुन सकते हैं हम, क्योंकि जो हमारी सोच है वही डिटरमिन करती है कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी होगी। तो बड़ा सोचने का मतलब है कि हमें अपनी सोच का दायरा बड़ा रखना है कि कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा और इससे अच्छा वक्त भी आएगा। सो थिंकिंग बिग का मैजिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक है, क्योंकि जब हम अपनी सोच को बदलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज़ बदलना शुरू होती है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी कैसे होगी, जब हमारी सोच बदलेगी। तो सोच कैसे बदलेगी, जब हम अपने संकल्पों को पॉजिटिविटी में लेकर जाकर अच्छा और बड़ा सोचना स्टार्ट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हमें कोई पूछता है कि आप कैसे हो तो हम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, तो हमें उसको छोड़कर अगर कोई पूछता है हाउ आर यू, उसको बोलना है कि आई एम अमेजिंग, आई एम फीलिंग सो गुड, आज मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है। कॉन्शियसली इन चीज़ों को याद रखना है कि मेरी सोच वाकई ही बहुत अच्छा जादू कर सकती है। अगर मैं बिग सोचूंगी तो ही मैं बिग चीज़ें अट्रैक्ट करूंगी। तो उसको हमने जब भी आंसर देना है अपना, वो इतना वाइब्रेंट अच्छे शब्दों में होना चाहिए कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करनी है। हाँ, अगर कोई इशू है हम अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करके, लेकिन उसको फिर पॉजिटिव सेंटेंस के साथ उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हमारे मुंह से, हमारे मन से अच्छे जवाब निकलने चाहिए कि कोई बात नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम वेरी पावरफुल, मैं बहुत जल्दी इन चीज़ों से ठीक होने वाली हूँ, और अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आए एंड आप भी ये बुक जरूर पढ़ें। एंड ज़ेन ऑन्को इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, हमारी वेबसाइट का लिंक भी हमारी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच।